इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों से परेशान होकर फ्लैट में रहने वाले कुछ लोगों ने अपने घरों पर यह मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए थे। अंततः घटना सामने आने के बाद डीसीपी सहित पुलिस अधिकारियों ने क्षेत्र में जाकर लोगों से बात की तो पूरे ही मामले में बिल्डिंग में दो पक्षों के बीच विवाद का मामला सामने आया। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए डीसीपी ने एसआईटी का गठन किया है और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जा रही है। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र स्थित ट्रेजर टाउन कॉलोनी के सामने एबीसीडी बिल्डिंग मौजूद है। इस बिल्डिंग में तकरीबन 250 से अधिक लोग निवास करते हैं, जिनमें से अधिकतर किराएदार भी हैं। तो वहीं पिछले दिनों रहवासी संघ के बिल्डिंग में चुनाव हुए, जिसमें दो पक्षों में किसी बात को लेकर अभद्रता हो गई और उसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को बदनाम करने के लिए अपने फ्लैट के बाहर ये मकान बिकाऊ है ये पोस्टर लगा दिए। जब ये पूरा ही मामला सामने आया तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और प्रारंभिक तौर पर जिन लोगों ने अपने घरों पर पोस्टर लगाए थे उनका कहना था कि क्षेत्र में असामाजिक तत्वों के द्वारा महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने के साथ ही नशा तस्कर सक्रिय है और क्षेत्रीय पुलिस इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो वहीं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने जब पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू की तो इसी दौरान सामने वाला पक्ष भी पूरे मामले में शिकायत लेकर थाने पहुंचे और उन्होंने पूरे मामले में जानकारी दी कि जिस व्यक्ति प्रशांत पांडे के द्वारा इस तरह से कानून को बदनाम किया जा रहा है, उनसे सोसाइटी में जो पिछले दिनों चुनाव हुए थे उसको लेकर वह दुर्भावनापूर्ण इस तरह की हरकत को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही सोसाइटी में विभिन्न तरह की मूलभूत सेवाएं भी मौजूद नहीं हैं, जिससे पानी के चलते और सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हैं। साथ ही बिल्डर ने भी कॉलोनी में किसी तरह के कोई विकास कार्य नहीं करवाए। इसके बाद इस पूरे मामले में पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए बिल्डर को नोटिस जारी कर बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरे लगवाए। तो वहीं पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। एसआईटी में एडिशनल डीसीपी के नेतृत्व में राऊ थाने के थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिसकर्मी रहेंगे जो पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करेंगे। तो वहीं जिस थाना क्षेत्र में ये पूरी बिल्डिंग मौजूद है उस थाने के किसी भी पुलिसकर्मी को इस टीम में शामिल नहीं किया गया। डीसीपी का ऐसा मानना है कि यदि राजेंद्र नगर थाने के पुलिसकर्मियों को टीम में शामिल किया जाएगा तो विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होगी। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक एबीसीडी मल्टी है ट्रेजर टाउन की, जिसके वहां पर कुछ लोगों के घरों के बाहर ऐसे पोस्टर्स मिले थे जो मीडिया के माध्यम से हम लोग तक जानकारी पहुंची कि हम मजबूर हैं, हम पलायन करना चाहते हैं। इस संबंध में मैं स्वयं वहां पर मौके पर उपस्थित हुआ था कि ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ है कि लोगों को विवश होकर इस तरह के पोस्टर लगाने पड़े हैं। तो वहां जाके जो मुख्यतः चीज़ें समझ में आई थी वो यह समझ में आई थी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, कुछ बिल्डिंग को हैंडओवर को लेके इश्यूज़ हैं, कुछ उनको ये था कि सीसीटीवी और बाकायदा लाइटिंग की जो व्यवस्था है वो पर्याप्त नहीं है, जिससे कि आपराधिक तत्व वहां पर पनप रहे हैं। इसी के चलते वहां पर जो पूरा बीट सिस्टम था उसको रीऑर्गेनाइज किया गया है, सभी लोगों का, एक एक आदमी का, चाहे वहाँ छोटा बच्चा हो, बच्चे से लेकर ऊपर तक का कोई बड़ा बुजुर्ग हो, सभी का चरित्र सत्यापन कराया जा रहा है। जिसके ऊपर आपराधिक कृत्य या आपराधिक रिकॉर्ड मिल रहा है उन सभी का बॉन्डओवर होगा। इस पर उसमें एक कल कुछ वीडियो सोशल मीडिया और न्यूज़ के माध्यम से पुनः सामने आए हैं कि कुछ दूसरे पक्ष जो मल्टी के ही दूसरे रहवासी हैं उनके द्वारा बताया गया है कि ऐसी कोई घटना नहीं है। और क्योंकि रहवासी संघ का चुनाव हुआ है कुछ महीने पहले तो उसमें जो दोनों पक्षों का विवाद था और जो पक्ष शायद उस चुनाव में उतना बेहतर नहीं कर पाया उनको बदनाम करने के हिसाब से ये पोस्टर्स और वो लगाए गए हैं। तो अब क्योंकि दोनों पक्ष आमने सामने आए हैं तो अभी मैंने दोनों पक्षों से बात करके उनसे यही गुजारिश की है, विनती की है कि आप सार्वजनिक रूप से इस तरह की कोई चीज़ें ना करें जिससे वहाँ की शांति व्यवस्था बिगड़े, इस पूरी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और निष्पक्ष जाँच हो इस पूरी सभी पहलुओं पर। उसके लिए एक सीनियर एडिशनल डीसीपी जो है जोन वन के, उनकी अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई है। जो एसआईटी है उसमें निष्पक्ष जांच हो सके इसलिए थाना प्रभारी राव, एसीपी मल्हारगंज और जो कुछ और अधिकारी हैं उनको शामिल किया गया है। और इसमें जानबूझकर हमने थाना राजेंद्र नगर के स्टाफ को नहीं इंक्लूड किया है, जिससे कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। यहां तक कि एसआईटी को दिशा निर्देश में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है वो ये दिया गया है कि आप ऐसे सुझाव भी दें कि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना पुनरावृत्ति ना हो उस चीज़ों की। तो क्या सभी, क्योंकि हर थाना क्षेत्र में कोई ना कोई ऐसी मल्टी वाला क्षेत्र है जहां पर ऐसी समस्याएं होने की संभावना है। सब बदमाशों को लेके जो